आज हम गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के सूत्र पर आधारित सवाल करेंगे प्रश्न में दिया है कांच के एक गोले की त्रिज्या पाँच सेंटीमीटर है गोले के केंद्र से दो सेंटीमीटर की दूरी पर वायु का एक छोटा सा बुलबुला है कांच का अपवर्तनांक 1.5 है बुलबुले के निकट के पृष्ठ से देखने पर बुलबुले के दूर के पृष्ठ से देखने पर बुलबुला पृष्ठ से कितनी दूर दिखाई देगा तो देखिए सवाल में आपको एक ये एक कांच का गोला है जिसका परतना वन पॉइंट फाइव है इसके केंद्र से दो सेंटीमीटर दूरी पर यहाँ पर वायु का बुलबुला है जिसे हमने ओ से दिखाया है इसकी त्रिज्या पांच थी निकट का पृष्ठ अर्थात जहां से बुलबुला पास होगा तो ये हो गया निकट और इधर हो गया दूर जब हम निकट के पृष्ठ से देखेंगे तो बुलबुला हमें कहाँ दिखेगा जब हम दूर के पृष्ठ से देखेंगे तो हमें बुलबुला दिखेगा? ये हमें ज्ञात करना है देखिए प्रश्न बहुत आसान है इसके लिए जो हमारा सूत्र प्रयोग होगा क्योंकि यहां से जो किरणे चलेंगे देखिए ये अपवर्तन पहला माध्यम दूसरा माध्यम हम बाहर से देख रहे हैं हवा में हम देख रहे हैं तो एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाती है तो अपवर्तन अपवर्तन का सूत्र लगेगा सूत्र होता है एन टू बटेस एन वन बटे यू बराबर एन टू माइनस एन वन बटे आर जहां एन वन पहले माध्यम का अपवर्तनांक पहला माध्यम माने जहां से किरणें चलेंगी जहां पर वस्तु रखी है तो ये कांच में रखी है तो पहला माध्यम का वर्तनाक हो गया हमारा एन वन वन पॉइंट फाइव एन टू जहां किरणें जाएंगी किरणें कहाँ जा रही हैं हवा में चाहे इधर है चाहे इधर है हवा में जा रही है और आर माने की वक्रता त्रिज्या अब देखिए वक्रता त्रिज्या को प्लस माइनस किस प्रकार रखेंगे वो अभी बताते हैं सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए जब किरणें सघन से विरल जाती हैं ये सघन है और ये विरल है तो अब इसको वैसे तो सीधे जाना था अभिलंब से दूर हटती है और जब विरल से सघन में आती है तो अभिलंब की ओर झुकती है ये ऐसे ना जाकर के झुक जाएगी। इसको आपने ध्यान रखना है यू वस्तु की दूरी वी प्रतिबिंब की दूरी आर वक्रता त्रिज्या तो देखिए अब हम करते हैं सबसे पहले निकट के पृष्ठ से देखने पर अब देखिए निकट के पृष्ठ से देखने पर क्या होगा सबसे पहले इसका चित्र बना देता हूं देखिए ये गोला था मान ये गोले का केंद्र सी यहां पर वस्तु रखी है ओ ये दूरी हमें दी थी दो सेंटीमीटर जब ये दूरी दो सेंटीमीटर है इसकी त्रिज्या पांच थी तो ये जो दूरी बची ये बची हमारी तीन सेंटीमीटर अब देखिए जो किरण हमारी अभिलंबवत जाएगी वह उसी मार्ग से यानी कि वह सीधी चली जाएगी बिना विचलित हुए क्योंकि वक्रता केंद्र से व्रत के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा लंब होती है इसी प्रकार अब हमारी दूसरी किरण हम ये लेते हैं मान लीजिए कोई एक किरण ये आ रही है अब ये किरण जाएगी कहाँ आपतित किरण में तो इसके लिए पहले हमें अभिलंब खींचना होगा अभिलंब के लिए हम क्या करेंगे इस बिंदु को व्रत के केंद्र से मिला देंगे तो ये हमारा अभिलंब हो गया अब देखिए ये कांच था कांच से हवा में आ रही है तो सघन से विरल तो अभिलंब से दूर हटेगी यानी कि इसको जाना क्या सीधे जाना था तो ये इस तरीके से दूर हट जाएगी किरण ये अब आगे तो ये कहीं मिलेंगी नहीं इसको हमने पीछे बढ़ाया तो ये इस बिंदु पर मिली तो यहां पर हमारा बनेगा प्रतिबिंब हमें ये दूरी ज्ञात करनी है कि कहाँ बनेगा अब देखिए हम देख यहां से रहे हैं यहां पर मानव नेत्र यहां से आप देख रहे हैं कहाँ पर आपको दिख रहा है तो अब इसको हल करने के लिए आप ये देखिएगा ये बिंदु हमारा हो गया इसका ध्रुव मूल बिंदु इसको हम मानेंगे मूल बिंदु देखिए इस इधर को लेते हैं प्लस इधर को लेते हैं माइनस अब जब इस सवाल को हल करेंगे तो इस बिंदु को हम यहाँ पर ध्रुव मान के चलेंगे तो ये P हो गया अब देखिए सारे इसके ध्रुव के राइट साइड में हैं तो ये दूरी हमारी प्लस होगी U भी प्लस होगा और R भी प्लस होगा V की गणना करनी है अब देखिए ये ये जो था से चल रही है तो N1 वन बराबर वन पॉइंट बराबर वन और N2 टू बराबर अब हमारा सवाल हल हो जाएगा सूत्र था हमारा एन टू बट्टे वी माइनस एन वन बट्टे यू बराबर एन टू माइनस एन वन बट्टे आर अब इस चित्र में अभी मैंने आपको बताया u u हमारा किस साइड है p से दाई ओर है तो यानी कि प्लस u कितनी होगी p से दूरी नापेंगे po ये दो था तो ये दूरी बची हमारी तीन u बराबर तीन सेंटीमीटर r बराबर प्लस पाँच सेंटीमीटर और एन वन बराबर वन पॉइंट फाइव एन टू बराबर वन तो ये हो गया वन अपॉन वी माइनस वन पॉइंट फाइव बटे थ्री बराबर वन माइनस वन पॉइंट फाइव बटे फाइव वन अपॉन वी एक दशमलव पाँच है तीन कटा दो बार एक बटे दो एक से एक दशमलव पाँच माइनस पॉइंट फाइव बटे फाइव तो ये हल एक बटे वी एक बटे दो को दूसरी तरफ ले गए तो प्लस हो गया अब देखिए ये दखलव पाँच था तो दखलव पाँच इसके करा दखलव हटा के हमने यहाँ लिखा एक जीरो एक अंक तक तो पाँच से पाँच हटा एक बटे दस माइनस का एक बटे दस तो एक बटे वी बराबर हमारा दस हलथी मैं दो पंचे दस माइनस दस एकम दस चार बटे दस तो बी बराबर आया दस बटे चार बराबर पाँच बटे दो बराबर दो दसमलव पाँच सेंटीमीटर तो यानी कि ये जो बुलबुला है निकट के पृष्ठ से देखने पर हमें दो दशमलव पाँच सेंटीमीटर दूर दिखाई देगा देखिए तो बहुत ही आसान होता है आपको केवल सूत्र को समझना है परीक्षा में आप सूत्र हमेशा सही लिखेंगे यदि आपको आगे गुणा भाग करने में गलती भी होती है अगर सूत्र सूत्र में जो शब्दावली है जो प्रयुक्त चिन्ह है जैसे u हो गया वी हो गया आर अगर आप इन सबको सही लिख देते हैं तब भी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे इस चीज का ध्यान रखिएगा चलिए अब दूस इससे आगे लेते हैं अब है दूर के पृष्ठ से देखने पर अब देखिए इसी सवाल को जब हम दूर के पृष्ठ से देखेंगे तब क्या होगा अब वही बुलबुला अब चित्र थोड़ा बदल गया ये केंद्र था यहां पर थी वस्तु थी यहां तो ये पाँच था ये ओ पर तो पाँच और दो ये हो गया सात सेंटीमीटर अब देखिए एक चीज अब ध्रुव हमारा बदल गया अब ध्रुव यहां आ गया अब ये किस ओर है हमारा बाई तो कार्टिजन सिस्टम अभी मैंने बताया था आपको कार्तिक तल ये याद रखेंगे मूल बिंदु के बाई ओर हमेशा दूरिया हम लेते हैं माइनस में तो ये होगा यू बराबर होगा हमारा माइनस सात अब n1 तो वही रहेगा n1 वन बराबर वन और n2 टू बराबर वन अब देखिए किरण हमारी गई अब हम अभिलंब वही वक्रता केंद्र थे व्रत के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा उस पर लंब होती अब देखिए इसको ऐसे जाना था किरण को अब ये जा रही है हमारी सघन माध्यम से विरल माध्यम से तो अभिलंब से दूर हटेगी तो ये थोड़ी सी हमारी यहाँ को दूर को झुक जाएगी तो अब इसको हम पीछे बढ़ाएंगे तो ये यहाँ कहीं इसको कट करेगी तो यहाँ पर बनेगा हमारा आई ये दूरी हमने निकालनी है अब देखिए इसके लिए वक्रता त्रिज्या वक्रता त्रिज्या भी जो इसके लिए आर होगी वो भी क्या होगी हमारी नेगेटिव होगी तो सूत्र हमारा यही लगेगा एन टू बट्टे वी माइनस एन वन बट्टे यू बराबर एन टू माइनस एन वन बटे आर आप हमेशा इसी तरीके से सूत्र को याद रखना पहला माध्यम और दूसरा माध्यम कभी आपसे कोई सवाल गलत नहीं होगा तो एन टू का मान एक वी का मान हमें ज्ञात करना है माइनस एन वन का मान वन पॉइंट फाइव यू का मान माइनस का सात माइनस से माइनस तो ये प्लस हो गया बराबर वन माइनस वन पॉइंट फाइव अपॉन आर का मान माइनस पाँच, पाँच. तो यह आया एक बटे वी प्लस एक दसमलव पांच बटे सात बराबर पॉइंट फाइव बटे फाइव अब देखिए ऊपर भी माइनस आया था नीचे भी माइनस 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 कैंसिल हो गया तो इसको हल करेंगे तो ये आएगा एक बटे वी प्लस एक दसमलव पांच बटे सात बराबर एक बटे दस पहले की तरह ही अब ये हुआ एक बटे वी बराबर एक, दस एक बटे बराबर, एक दस माइनस एक दसमलव पांच बटे सात एल्थीम लेना है सत्तर आए दस सत्ते सत्तर माइनस सात का दस तो ये पंद्रह पंद्रह में से सात गए माइनस आठ बटे सत्तर तो ये आया माइनस चार बटे पैंतीस तो वी बराबर आया पैंतीस बटे चार माइनस का इतने सेंटीमीटर चार का भाग दे देंगे चार अटे बत्तीस तीस चार हते अट्ठाईस चार पंचे बीस आठ दशमलव सात पाँच सेंटीमीटर दूर माइनस बना यानी कि उधर ही बनेगा जिधर की ओर वस्तु रखी है ये देखिए इस बिंदु से इधर इसके पीछे ही बन रहा है तो इस तरीके से ये हमारा प्रश्न हल हुआ उम्मीद है आपको समझ में आया होगा आप इसी प्रकार के और प्रश्न करके देखिएगा बहुत ही आसानी से हल हो जाएंगे